हेलो सर, एम आई विजिबल? थोड़ा विजिबल में अभी दिक्कत है, लेकिन हाँ ऑडियो क्लियर आ रही है आपकी। जी, ओके। पहले तो आप अपना नाम बताइए सर मुझे। सर मेरा नाम खुशबू है। अरे हाय खुशबू, कैसी हैं आप? एक तो मैं ट्यून टू रिदम बोल बोल के ना, मेरे को लग रहा है कि मुझे ऐसे ही ज्यादा मैं याद रख पाऊंगा आपको। जी ओके सर, मैं आपको ट्राई किया था कल भी कनेक्ट करने के ऊपर, आई थिंक वीडियो इश्यूज हो रहे थे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ऑडियो आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए। जी मैं आपको एक्चुअली 2 साल से यूट्यूब पे फॉलो कर रही हूँ। आपके वीडियोस मेरे को मतलब बहुत ही मदद की है, और उसी की वजह जी से मुझे क्या कहते हैं मोटिवेशन मिला है। और मैंने जीआरई की बुक्स, अरिहंत और सारी बहुत कुछ ले लिया है, और मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है। जी तो अभी क्या के कंटेंट वाइज तो एवरेज पर क्या होता है कि अभी जब एग्जाम्स देने जाते हैं तो अभी एनटीए ने जब ले लिया है तो आंसर जैसे हो गए हैं कि मतलब आसपास होते हैं, सभी एक जैसे लगते हैं, तो कौन सा सही है और कौन सा गलत है वो पता ही नहीं चलता है। और अगर सही भी आंसर हो तो हमको पता नहीं चलता है कि क्यों वो सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो सोल्यूशंस नहीं भेजे जाते हैं अभी भी, तो उसमें दिक्कत होती है। तो कैसे अगर या हम क्या के कंटेंट वाइज पढ़ना शुरू करें कि अभी मैंने 2-3 साल से तो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, तो अभी पेपर्स करना शुरू करें, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स के पहले के अगर पेपर्स देखो तो वो बहुत अलग है, और अभी अभी के जो पेपर्स आ रहे हैं वो बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू, मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहूंगा कि आप अंदाजन मुझे बताना चाहेंगी कि अभी जब आपने लास्ट जो भी एग्जाम ट्राई किया था, उसमें अंदाजन कितने नंबर ऑफ सवाल या कितने मार्क्स, आपको कुछ क्लैरिटी हो, एक एवरेज अगर मुझे मिल जाए। मेरे कुछ 48 जितने आए थे, 48 मतलब 48% अच्छा, जितने, 48%। तो 48% का आपका मतलब हो गया है कि मैं आपको बताता हूं, 1% में हमारे 1.5 हो गए। ठीक है, तो अब जैसे आपका ये 48% है, और आप नेट टारगेट कर रही हैं या जेआरएफ? जेआरएफ। जेआरएफ टारगेट कर रही हैं आप, हाँ तो जेआरएफ में लगभग लगभग मान लेते हैं कि आपको 60 से 65% चाहिए, 65 मान लेते हैं, 65% आपको चाहिए। हाँ तो हाँ 68 से 65 का जो सॉरी 48 से 65 का जो सफर है, यानी कि लगभग लगभग आपका जो ये 17% का सफर है, अब ये 17% के अंदर आपको लगभग कितने सवाल करने पड़ गए? आपको कर गए लगभग 17, 10, लगभग लगभग 24 से 25 सवाल आपको और टारगेट करने हैं। तो अभी मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा साथ में खुशबू, कि क्या इस तरह का एवरेज आपका बना रहता है? यानी कि अगर हाँ, यूजुअली क्या एवरेज बना रहता है? 48 ही बना रहता है। एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट मोमेंट पर ही मैं एक्चुअली टीचर तो हूँ ही, स्कूल में जी पढ़ाती हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, तो लास्ट के 1 महीने में सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। और वो भी मतलब मेरा बहुत स्मार्ट वर्क रहता है कि जो मेरे को पता है कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं तो उसको मैं टारगेट करती हूँ, और जो मेरे स्ट्रेंथ्स होते हैं उसको मैं ज्यादा करती हूँ, और जो वीकनेसेस होते हैं उसमें भी जो स्ट्रांग पार्ट्स होते हैं या फिर इजी वाले होते हैं उसको टारगेट करती हूँ, और ऐसे करके मैं स्कोर कर लेती हूँ। और कई बार जब आंसर्स होते हैं जो मेरे को आसपास लगते हैं कि कौन से सही होंगे एग्जाम के टाइम पे, तो वैसे करके मैं आंसर्स को क्या कहते हैं कि बाइफर्गेट करके फिर आंसर कर लेती हूँ। तो वैसे करके मैं ये इतने तो मैं मार्क्स ला पाती हूँ, पर वो जो 3 महीने में जब बहुत टाइम लंबा हो जाता है, तो जब बहुत सारा मटेरियल लेकर बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि सागर में डुबकी मारना जैसा कि कहाँ से शुरू करें, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। जी, तो हम ये मान के चल लेते हैं कि
आपके अभी देखा जाए तो 72 सवाल, लगभग 72 क्वेश्चंस आप ऑन एन एवरेज ठीक करती हैं। हाँ और इसके हिसाब से अगर हम मान लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चंस का टारगेट बना के चलना है कि आपको 100 क्वेश्चन हाँ ठीक करने हैं ताकि आपको जेआरएफ क्लियर हो जाए, तो 100 में से 72 यानी कि 70 मान के चल देते हैं, 100 में से 70 तो आप अभी ठीक कर ही रही हैं। हाँ अभी जो 30 का जो सफर आपको तय करना है, ये 30 के हाँ सफर को आपको और ज्यादा स्पेसिफिक करना होगा। और हाँ ज्यादा स्पेसिफिक करने का मतलब है कि अब आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपना पेपर। पेपर अच्छा एनालाइज करने का मतलब है कि आप ये देखिए कि ऑन एन एवरेज ऐसी कौन सी यूनिट्स हैं जिसमें आप 90 to 100% उसके सवाल गलत करती हैं आप। ओ अच्छा जैसे मान लो बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत लोग अपना यूनिट 2 को छोड़ देते हैं, या बहुत लोग यूनिट 2 हाँ का, हाँ तो अब आपको जो वो ये लास्ट सब, फाइव होते हैं ना जी जी वो जी 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 स्टैटिस्टिक लास्ट फाइव क्वेश्चन जी तो आपको ये खुशबू, ये सफर पूरा करने के लिए, ये लगभग लगभग 30 सवालों का सफर, इसके लिए आपको पहले अपना पेपर एनालाइज करना होगा। पेपर एनालाइज करने के बाद में आपको वो यूनिट्स निकालनी है अपनी, जिन यूनिट्स को आप ऑन एन एवरेज 90 to 100% गलत करती हैं या छोड़ के आती हैं। सर वही तो पता नहीं चलता कि कौन सा गलत है और मतलब राइट कौन सा है, क्योंकि सब कई जगह ऐसा होता है कि आंसर दिया होता है पर सोल्यूशन नहीं पता कि ये आंसर कहाँ से आया। जैसे कि असर्शन रीजनिंग वाला भी है, तो ये असर्शन रीजनिंग वाला भी आंसर दिया गया है तो ये क्यों दिया गया है, या फिर मेरा रॉन्ग है तो फिर वो क्यों कैसे रॉन्ग हुआ, तो इतना क्या के मिला नहीं है गाइडेंस। तो इसमें आपको मैं ये बता देता हूं कि अब आप ऐसे करिए कि अपने जो आपने पिछले 2 पेपर दिए होंगे तो उनका हाँ क्वेश्चन पेपर और आंसर क्वेश्चन मतलब मार्क्ड है आपके पास कि आपने क्या क्या आंसर भरे होंगे, ये हाँ कुछ इसका हाँ एविडेंस होगा। हाँ ओके, तो अब आप क्या करिए, हम हाँ लोग दोबारा इस पे बातचीत करेंगे, उससे पहले आप क्या करिएगा, अपने पेपर को एनालाइज करिएगा ये देखने के लिए कि कौन सी यूनिट में आपने 92 या 90 छोड़ो, आप मान लो 80 to 100% या तो गलत है या आपने छोड़ा है। हाँ दूसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कौन सा टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका 60 to 70% गलत ही गलत होता है, मतलब 60 to 100%। अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन से मतलब हो गया एसर्टिव रीजनिंग का, मैच द फॉलोइंग का, हाँ पैराग्राफ बेस्ड हाँ क्वेश्चंस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो ऐसे कौन से सवाल हैं जो आपके ज्यादा से ज्यादा गलत होते हैं। अब जब ये 2 डेटा हमें मिल जाएगा, मान लो आपने देखा और आपको पता चला कि कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें 80 to 100% गलत है, तो अब आप और कम कर दो, अब आप 80 की बजाय कर दो 60 to 100%। तो आपको बस ये मार्क करना है कि आप उल्टे मार्क करना शुरू कर दीजिए कि सबसे ज्यादा गलत किस यूनिट से आपके हो रहे हैं, और ऐसी 3 से 4 यूनिट्स हम आइडेंटिफाई करेंगे और ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर सिर्फ इस बार के एग्जाम में सिर्फ इन 2 चीजों पे फोकस करेंगे। यानी कि आप पढ़ अच्छा के जाए ना जाए, जो भी आप कर रही हैं, आप 70% लेके आ रही हैं, मतलब 70-72 सवाल आप ठीक कर रही हैं। तो आप जो भी अभी स्ट्रैटेजी अपनी क्षमता से लगा रही हैं उससे हर बार यही सवाल आप ठीक कर पाएंगी, ऊपर नीचे ज्यादा से ज्यादा हाँ कुछ हो जाए एक दो। हाँ तो हाँ 30 सवालों का सफर एक दो का सफर नहीं है खुशबू, 30 बहुत सवाल होते हैं। हाँ तो आपको हाँ इसको अब अलग तरीके से अप्रोच करना है, तो आपको ये चीजें जरूर करनी है एनालाइज करके, और जैसे ही एनालाइज कर लेंगे तो दोबारा जब हम सेशन में मिलेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि किस यूनिट से आपके कितने ज्यादा सवाल गलत हैं, ऐसी 3 से 4 यूनिट आइडेंटिफाई कर लीजिए आप और टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उन यूनिट्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है और उस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे बेहतर करना है। अच्छा ठीक तो क्या ये आपको ठीक लग रहा है ये वाला अभी के लिए? हाँ मैं ये करूंगी ट्राई। ठीक है खुशबू, आप ये वाला ट्राई कीजिएगा और फिर हम लोग दोबारा कनेक्ट करते हैं इस चीज के लिए।